अस्सलामुअलैकुम, हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो टेक अस्पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिफोर आफ्टर लुक कैसे ला सकते हो अपनी पिक्चर में। जैसे जो मैंने पहले की थी पर्पल सनसेट वाली, जो पर्पल और ऑरेंज सनसेट वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसको आपको आई कार्ड पे ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा सिंपली, या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वाली वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने आपको लुक दिखाया था, बिफोर आफ्टर वाला लुक दिखाया था, जैसे बिफोर पहले फोटो कुछ सिंपल थी बिल्कुल, और जब मैंने इसको किया तो पर्पल वाला है, पर्पल और ऑरेंज सनसेट वाला एक लुक आ गया था बिफोर आफ्टर। वो भी सिर्फ उसमें मैंने एक ऐप की मदद से की थी, वो था काइन मास्टर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ काइन मास्टर का सिंपल सा ट्यूटोरियल। आप पावर डायरेक्टर वगैरह में भी कर सकते हो, लेकिन मैं उन ऐप्स को ज्यादातर यूज नहीं करता। मैं अपनी सारी वीडियोस काइन मास्टर वगैरह से एडिट करता हूं, तो मैं आज आपको उसी का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अभी डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है और सिंपली वहाँ पर काइन मास्टर लिखना है और डाउनलोड कर लेना है उस वाले ऐप को, जिसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर आपको पावर डायरेक्टर वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये पावर डायरेक्टर का ट्यूटोरियल नहीं है, ये काइन मास्टर का। सबसे पहले आपने वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने बिफोर आफ्टर वाला लुक देना है। आपने सिंपली शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और काइन मास्टर पर क्लिक कर लेना है, तो काइन मास्टर में ये वाली वीडियो ऐड हो जाएगी। अभी देखिए, तो अभी वाली वीडियो काइन मास्टर में एक्सपोर्ट हो चुकी है और आपके सामने वाली वीडियो देखिए, पहले फोटो कुछ इस टाइप की। अब जैसे मुझे बस यहाँ तक बिफोर आफ्टर चाहिए, तो मैं इसको सबसे पहले ट्रिम कर लेता हूँ। अब ये जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे ट्रिम वाला ऑप्शन मिल जाता है, ट्रिम मैंने राइट ऑफ प्लेहेड कर दिया, तो यहाँ पर ये ट्रिम हो चुकी है वीडियो। अब देखें मैंने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और ये जो थ्री डॉट्स वाला जो ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास मतलब पहले से कोई आफ्टर वाली मतलब वो हो पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह, तो आपने लेयर में जाके मीडिया में जाके वो वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है, तो वो लेयर बन के आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने अगर मैं इसी वाली वीडियो पर आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक कर देना है, जो ये सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है इस लेयर की, तो देखें मैं मुझे थ्री ये तकरीबन फोर फाइव सेकंड से जो है ना मुझे इसका दूसरा लुक चाहिए, तो मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। अब सिंपली मैं इसमें जो है ना थोड़ी कलर ग्रेडिंग वगैरह कर देता हूँ। वैसे काइन मास्टर आपके लिए बिल्कुल अच्छा ऐप नहीं कलर ग्रेडिंग के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसी मतलब सिंपली करके दिखा रहा हूँ। वैसे ही अगर आपको फुल अच्छी वाली कलर ग्रेडिंग करनी है तो ऊपर आई कार्ड पर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस वाली वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। अब देखो मैंने इसको थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट वाली लुक दे दी है। अब आपने सिंपली देखो, अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब देखो ये वाली वीडियो कुछ इस टाइप की आएगी, देखो ये चल रही है ऐसे, और अब देखें ये देखो अभी ऐसी हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक अच्छा इफेक्ट नहीं लग रहा। तो आपने सिंपली इस वाली जैसे डायरेक्ट से वाला आ रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपने सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे जाने के बाद आपने चले जाना है इन एनिमेशन पर। इन एनिमेशन पे जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रोल करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाइप राइट का, वाइप लेफ्ट का। देखो जैसे आप करोगे तो आपके पास ये वाले बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपने वाइप जैसे राइट पर, मैं ज़्यादातर वाइप राइट ही करता हूँ, तो मैं इतना करता हूँ। और आपने स्पीड अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है, मैं तकरीबन 1.5 कर लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये वाला सबसे अच्छा लुक देगी, क्योंकि स्लो आएगी, क्योंकि वीडियो भी थोड़ी स्लो ही चल रही है, स्लो मो है, तो इसलिए जब स्लो ट्रांजिशन जो आएगी वो एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और एक अच्छी ट्रांजिशन लगेगी। देखो अभी भी थोड़ी मुझे इसको और स्लो करता हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी ये फास्ट लग रही है। मैं तकरीबन इतना इसको कर लेता हूँ। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ वीडियो को। आपने बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से करना है, जो आपकी वीडियो के साथ सूट करे और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। देखो अब आपके सामने बिफोर आफ्टर वाला लुक, और आप सिंपली जहाँ पर जैसे यहाँ पर जाके लिख सकते हो। अब जैसे मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बिफोर। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया बिफोर, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ साइड पर लिख लिया। इसके आप फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर जाके लैटिन में जाके, अब जैसे मैं कोई भी जैसे अब ये वाला फ़ॉन्ट, जैसे ये वाला फ़ॉन्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया बिफोर। अब आप मैं इस वाली फ़ोटो पे, इस वाली लेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा आफ्टर। फ़ॉन्ट में दोबारा ले लूँगा, वही वाला फ़ॉन्ट लेने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और देखें इसमें इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँगा, ताकि बहुत ज़्यादा वो ना लगे अजीब सा कि भाई इतनी देर से आया जा रहा है आया जा रहा है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें पहले बिफोर यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, मैं अभी देखें थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं इसको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आधे घंटे की वीडियो किसी को नहीं देखनी है। देखें यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है, और आफ्टर देखें कितना ज़्यादा बिल्कुल एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है, कितनी ज़्यादा एक अच्छी लग रही है। अगर आप इसके बीच में कोई ट्रांजिशन वगैरह डालना चाहते हो, देखो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है, जो आपकी मीडिया फाइल है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ये वाला जो टूल मिलता है इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्प्लिट एज प्लेहेड कर देना है, ये जो ट्रांजिशन वाला आपके पास एक टूल आ जाएगा, उसके बाद आप ट्रांजिशन वगैरह लगा सकते हो। जैसे शेक इट वाली मुझे एक ट्रांजिशन लगानी है, आप डाउनलोड कर सकते हो इसके वाले ऐप्स। अब देखें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखें
तो कितनी ज़्यादा एक अच्छी लुक दे रही है। उसके बाद जब आपकी वीडियो रेडी हो जाए, आपने सिंपली जो शेयर वाला बटन मिलता है, शेयर वाले बटन पे क्लिक करनी है और आपने यहाँ पर बिल्कुल फुल साइज में वाली मतलब इसको सेव कर लेना ताकि एक बहुत ज़्यादा अच्छी लुक दे। उनके बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है और ये वीडियो आपके मोबाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक मस्त कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और कमेंट में आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और लाऊं। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर मैं ऑनलाइन लेता हूँ। आप मुझे कोई भी मतलब मैसेज वगैरह इंप्रूवमेंट वगैरह कॉन्टेंट में मेरी चाहिए हो तो मैं लो ले आऊँगा, लेकिन अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो। मैं वहाँ पर ज़्यादातर ऑनलाइन होता हूँ, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। भाई को दुआ में याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। छुट्टी का।